Hello and welcome back to Mechanical Wing. In the previous lecture, we have completed about four bar mechanism and their inversion. And today in this lecture, I am going to learning about single slider crank mechanism and their inversion. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फोर बार मैकेनिज्म को कंप्लीट किया था और उसके इन्वर्जन को भी कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं आज के स्लाइड में क्या क्या है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है पहले समझते हैं। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ फोर बार चैन। तो जो सबसे पहले पॉइंट ये है कि यह फोर बार चैन का मॉडिफिकेशन है। फोर बार चैन में क्या था कि जो चार लिंक्स होते थे वो चारों के चारों टर्निंग पेयर में थे, लेकिन यहाँ पे नाम से स्पष्ट है सिंगल स्लाइडर। सिंगल स्लाइडर मीन्स एक ऐसा लिंक होगा जो स्लाइड करेगा, या फिर इसको कह सकते हैं एक ऐसा लिंक होगा जो फिक्स रहेगा। मीन्स जो फोर टर्निंग पेयर था फोर बार मैकेनिज्म में, फोर बार चैन में, उसमें अगर हम एक टर्निंग पेयर को हटा के एक स्लाइडिंग पेयर ऐड कर देते हैं तो वो जो चैन बनेगा हमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन बनेगा। व्हेन वन ऑफ द टर्निंग पेयर ऑफ अ फोर बार चैन इज रिप्लेस्ड बाय स्लाइडिंग पेयर, मीन्स जो टर्निंग पेयर था फोर बार चैन में उसमें से हम एक टर्निंग पेयर को हटा के एक स्लाइडिंग पेयर से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्लाइडिंग पेयर एंड थ्री टर्निंग पेयर। इसमें एक स्लाइडिंग पेयर होगा और तीन टर्निंग पेयर होगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्ट रोटरी मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड वाइस वर्सा। इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है वह रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, या फिर इसके जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकेशन मोशन को वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। एंड इट इज यूजली फाउंड इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मैकेनिज्म। रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मैकेनिज्म में हमें यूजुअली देखने को मिलता भी है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हम दो लिंक लेते हैं जो एक तो काम करता है इनपुट लिंक का और दूसरा आउटपुट लिंक का। तो जो इनपुट लिंक होगा वो स्लाइडर भी हो सकता है और क्रैंक भी हो सकता है, और जो आउटपुट लिंक होगा वो स्लाइडर भी हो सकता है और क्रैंक भी हो सकता है। तो जब भी बात करेंगे हम इसमें एक इनपुट लिंक का और एक आउटपुट लिंक का बात करेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। ये हमारा डायग्राम है और इस डायग्राम में दिया हुआ है कि ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ये जो हमारा लिंक है ये फिक्स्ड लिंक है, इसको हमने ग्राउंड से फिक्स करके रखा है और इस फिक्स्ड लिंक का नेम है लिंक वन। ये फ्रेम भी इसको कह सकते हैं जो ग्राउंड से फिक्स है, और ये है लिंक वन। ये है हमारा क्रैंक, ये क्रैंक है और इसको हमने लिंक टू मान रखा है। यह है कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड को हमने लिंक थ्री मान रखा है, और यह है हमारा क्रॉस हेड। ये क्रॉस हेड है और ये ऊपर है गाइड वेज, ये हमारा गाइड वेज है और ये क्रॉस हेड है। ये क्रॉस हेड गाइड वेज के भीतर ही मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है, ऐसे रेसिप्रोकेट कर सकता है, और क्रॉस हेड को हमने लिंक फोर मान रखा है। यह है पिस्टन रॉड, ये पिस्टन रॉड है और यह है सिलेंडर और यह है पिस्टन। इसमें जो है ये लिंक फोर और लिंक वन, लिंक फोर और लिंक वन जो है वो स्लाइडिंग पेयर होगा, बाकी वन और टू, टू और थ्री एंड लिंक थ्री एंड फोर ये तीनों टर्निंग पेयर होगा। इसमें स्लाइडिंग पेयर सिर्फ लिंक वन और लिंक फोर होगा।
देन आगे देखते हैं. इन अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन लिंक वन एंड टू, लिंक टू एंड थ्री, लिंक थ्री एंड फोर फॉर्म थ्री टर्निंग पेयर, तीन टर्निंग पेयर हैं. वाइल लिंक फोर एंड वन इज अ स्लाइडिंग पेयर, लिंक फोर और वन स्लाइडिंग पेयर है. लिंक वन जो है जो ग्राउंड से फिक्स है वो फ्रेम है, लिंक टू जो है वो क्रैंक है, और लिंक थ्री है रेसिप्रोकेटिंग कनेक्टिंग रॉड है, एंड लिंक फोर जो है वो क्रॉस हेड है. इसमें ये भी है, लिंक वन करस्पोंडेंस टू फ्रेम ऑफ द इंजन विच इज फिक्स्ड, लिंक टू करस्पोंडेंस टू क्रैंक, एंड लिंक थ्री इज करस्पोंडेंस टू कनेक्टिंग रॉड है, एंड लिंक फोर करस्पोंडेंस टू क्रॉस हेड. द क्रॉस हेड रेसिप्रोकेट इन द गाइड, जो क्रॉस हेड है वो गाइड के अंदर गाइड के भीतर रेसिप्रोकेट करता है, एंड दस पिस्टन रेसिप्रोकेट इन द सिलेंडर, इसी के चलते जो सिलेंडर है जो पिस्टन है वो सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है. तो ये था हमारा कुछ बेसिक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में. अब इसका हम इन्वर्जन देखते हैं. इन्वर्जन में होता क्या है कि हमारे पास जितने लिंक्स होते हैं उसमें से हमें एक लिंक को फिक्स करना होता है, कम से कम एक लिंक को फिक्स करना होता है, बाकी को फ्री छोड़ना होता है. तो उसके बाद जो मैकेनिज्म मिलती है वही उसका इन्वर्जन कहलाता है. जैसे कि एक काइनेमेटिक चैन में मिनिमम फोर लिंक्स होते हैं, फोर में से हम किसी एक लिंक को फिक्स कर देंगे, बाकी तीन को फ्री छोड़ेंगे. तो ये जो मैकेनिज्म मिलेगा वो होगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. तो चलिए इसका इन्वर्जन देखते हैं. इसका जो सबसे फर्स्ट इन्वर्जन है वो है इफ सिलेंडर इज फिक्स्ड. अगर हम सिलेंडर को फिक्स कर देते हैं, सिलेंडर को फिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. इफ क्रैंक इज फिक्स्ड, दूसरे केस में है कि अगर हम क्रैंक को फिक्स कर देते हैं, देन उस केस में कौन से मैकेनिज्म मिलेगी. तो जो सबसे पहला मैकेनिज्म है वो है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एंड रोटरी इंटरनल कंप्रेसर इंजन. ये दोनों मैकेनिज्म हमें क्रैंक को फिक्स करने से मिलती है. एंड थर्ड वन इज इफ कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, देन क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एंड ऑसिलेशन सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म मिलेगा. इसके बाद है अगर हम स्लाइडर या फिर पिस्टन, स्लाइडर पिस्टन दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ है इस मैकेनिज्म में, अगर हम स्लाइडर या पिस्टन को फिक्स कर देते हैं तब हमें हैंड पंप मिलेगा, जिसका दूसरा नाम है पेंडुलम पंप, और इसी को बुल इंजन भी कहते हैं. अब इस चार लिंक में से हमें एक बार में किसी एक ही लिंक को फिक्स करना है. जैसे कि अगर हमने सिलेंडर को फिक्स करके रखा है तो क्रैंक को, कनेक्टिंग रॉड को और स्लाइडर को तीनों को फ्री छोड़ना होगा. अगर हमने क्रैंक को फिक्स करके रखा है तो सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड एंड स्लाइडर तीनों को फ्री छोड़ना होगा. अगर हमने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करके रखा है देन सिलेंडर को, क्रैंक को और स्लाइडर को फ्री छोड़ना होगा. अगर हमने स्लाइडर को फिक्स करके रखा है देन सिलेंडर, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड को फिक्स मतलब फ्री करके छोड़ना होगा. मीन्स एक इन्वर्जन प्राप्त करने के लिए हमें एक लिंक, एक पेयर को ही फिक्स करना है, बाकी को फ्री छोड़ना है. तो देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड क्या है. सबसे फर्स्ट इन्वर्जन है इफ सिलेंडर इज फिक्स्ड. मान लेते हैं कि हमने सिलेंडर को फिक्स करके रखा है, बाकी जो तीन अदर लिंक्स हैं उसको फ्री छोड़ दिया हमने. वो तीनों मूव कर सकते हैं लेकिन सिलेंडर जो है वो फिक्स रहेगा. तो उस केस में कौन सा मैकेनिज्म मिलता है देखते हैं. सिलेंडर इज फिक्स्ड इन दिस मैकेनिज्म एंड वन स्लाइडर एंड वन क्रैंक इज यूज्ड. वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वन इनपुट लिंक एंड वन आउटपुट लिंक. हम जब भी बात करेंगे इसमें वन इनपुट लिंक की और वन आउटपुट लिंक की बात करते हैं, एंड वन स्लाइडर एंड वन क्रैंक को हम इसमें हमेशा प्रेफर करेंगे. इसके बाद है
द पिस्टन मे बी इनपुट लिंक और मे बी आउटपुट लिंक. यहाँ जो पिस्टन है वो इनपुट भी हो सकती है आउटपुट भी हो सकती है. और क्रैंक मे बी इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक. यहाँ जो क्रैंक है वो भी इनपुट हो सकता है आउटपुट हो सकता है. पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एंड क्रैंक इज रोटरी पार्ट. पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, वो सिर्फ रेसिप्रोकेट कर सकता है, लेकिन जो रोटरी है, जो क्रैंक है वो रोटरी पार्ट है, वो रोटेट कर सकता है. इफ सिलेंडर इज फिक्स्ड, जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है और हमने सिलेंडर को फिक्स करके रखा है. सिलेंडर को हमने यहाँ पे लिंक वन मान लिया है और इसको फिक्स करके रखा है. ये है क्रैंक और क्रैंक को हमने लिंक टू मान रखा है. ये है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड को हमने लिंक थ्री मान रखा है. और ये है पिस्टन, पिस्टन को हमने लिंक फोर मान रखा है. इस केस में यहाँ पे जो सिलेंडर है वो तो फिक्स है. अगर हम इस क्रैंक को रोटेट करते हैं, क्रैंक को अगर हम रोटेट करते हैं, देन ये जो रोटरी मोशन है वो कन्वर्ट होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और ये जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देगा, वो रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देगा. मीन्स यहाँ जो रोटरी मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है. सिलेंडर को फिक्स करने से हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिलेगा. जो इसका सिलेंडर इज फिक्स्ड होगा तो इसका इन्वर्सन है. सबसे पहले देखते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन में क्या होता है. इसमें है कि अगर जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा, मीन्स जो पिस्टन है वो क्रैंक को रोटेट करवाएगा. अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो हो रहा है वो रोटरी मोशन को कन्वर्ट करवाता है. एंड हमने पिस्टन को अगर इनपुट लिंक ले रखा है, इनपुट लिंक मान रखा है और क्रैंक को आउटपुट लिंक मान रखा है, देन इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग इंजन. तब ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन बनाएगा. और इसमें जो है जो रेसिप्रोकेटिंग है या फिर पिस्टन है वो रोटरी में कन्वर्ट हो रही है या फिर क्रैंक में कन्वर्ट हो रही है. मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होगा रेसिप्रोकेटिंग इंजन. पिस्टन को हमने मान रखा है इनपुट लिंक, इनपुट, और रोटरी को हमने मान रखा है, मीन्स क्रैंक को हमने मान रखा है आउटपुट लिंक. ये इनपुट लिंक अगर आउटपुट लिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन है. अब नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, इन केस ऑफ रोटरी मोशन दैट मीन्स क्रैंक, अगर रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा हो एंड क्रैंक इज कंसिडर्ड एज इनपुट लिंक, क्रैंक को हमने यहाँ पे इनपुट लिंक मान रखा है एंड पिस्टन को हमने आउटपुट लिंक मान रखा है, देन इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. इस केस में रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, दैट मीन्स क्रैंक रोटेट करवाता है पिस्टन को, तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. इसमें ये इनपुट लिंक है हमारा क्रैंक एंड आउटपुट लिंक है पिस्टन. अब जो इसका सेकेंड इन्वर्जन है वह है क्रैंक इज फिक्स्ड. जब क्रैंक को फिक्स करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. जब क्रैंक को फिक्स करते हैं और तीन अदर लिंक्स को फ्री छोड़ते हैं, देन उस केस में जो फर्स्ट इन्वर्जन बनेगा वो होगा विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म. एंड जो नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें क्या होता है, इन द क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में क्रैंक फिक्स होता है और इस मैकेनिज्म का हम शेपिंग मशीन में या फिर स्लॉटेड मशीन्स में यूज़ करते हैं. क्रैंक दैट मीन्स लिंक टू इज फिक्स्ड इन दिस मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म में क्रैंक को फिक्स करते हैं. कनेक्टिंग रॉड दैट मीन्स लिंक थ्री इज रोटेट एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड. इसमें कनेक्टिंग रॉड रोटेट करता है एट एंगुलर स्पीड पे.
and the slider जो कि link 4 है attached to a crank pin and slide along slotted bar that means link 1. यहाँ जो slotted bar है उसको हमने link 1 मान रखा है. तो जो ये slider होती है attached होती है crank pin से वो slide करता है along slotted bar से. A ram is attached with connecting rod where a tool is fixed. जो connecting rod है उस connecting rod से एक ram attached होता है और उसमें एक tool लगी हुई होती है जिससे हम cutting का काम आसानी से कर सकते हैं और करते हैं. तो इसको समझते हैं अब एक diagram से. diagram देखते हैं इसका, इसे समझते हैं. इसके diagram में हमें क्रैंक को फिक्स करना होता है. तो ये हमारा क्रैंक है और हमने क्रैंक को फिक्स करके रखा है और इस पॉइंट का नाम ए है और इस फिक्स्ड क्रैंक को हमने एक लिंक से अटैच करके रखा है और इस लिंक में एक स्लाइडर लगा रखा है. ये जो है ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर हमने इस लिंक में लगा रखा है. इसके बाद इसमें एक स्लॉटेड बार का यूज़ करते हैं. यह एक स्लॉटेड बार है जो कि इस स्लाइडर से अटैच्ड है और ये एक रैम है. इस रैम में टूल सेट करके हम रखते हैं जिससे हमारा कटिंग प्रोसेस या कटिंग जो मशीनिंग प्रोसेस होती है वो परफॉर्म करते हैं. अब ये है कनेक्टिंग रॉड और ये कनेक्टिंग रॉड जो है वो रैम से और इस स्लॉटेड बार से अटैच्ड है. अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल, ये तो हमारा क्रैंक फिक्स है लेकिन कनेक्टिंग रॉड को तो मूव कर सकता है ना. तो जो जब कनेक्टिंग रॉड मूव करेगा तो ये इस पाथ से मूव करेगा. जो ये पाथ बनेगा ये स्लॉटेड बार का पाथ है ये. और ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस लिंक का पाथ, ये जो लिंक है इस लिंक का पाथ है ये सर्कल. इसमें जो स्लॉटेड बार है ये पूरे एक टर्न मारती है. स्लॉटेड बार पूरे टर्न मारती है इसमें. और ये जो एंगल है, ये एंगल है इसका अल्फा. ये अल्फा एंगल है, इसमें हमारा मशीनिंग प्रोसेस होता है. और ये जो एंगल है ये इसका बीटा एंगल है, ये है बीटा. एंड ये तो हमारा क्रैंक हो गया जो कि फिक्स है. इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, बस थोड़ा बहुत देख लीजिए कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हो, कैसे वर्किंग है. बस आपको ये याद रखना है कि इसमें क्रैंक फिक्स होता है. ये इसका पॉइंट B1 है, पॉइंट B2 है जहाँ से ये मूव करता है. एंड ये पॉइंट C1 है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C2 है. ये इसका पॉइंट B है. अल्फा इज इक्वल टू होता है रिटर्न स्ट्रोक एंड बीटा इज इक्वल टू होता है कटिंग स्ट्रोक. इस मैकेनिज्म में जो ये अल्फा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मीन्स ये जो रेड डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें रिटर्न स्ट्रोक होता है. मीन्स इस केस में हमारा मशीनिंग प्रोसेस नहीं होता है लेकिन यहाँ जो केस है, मीन्स ये ब्लैक से ये मतलब रेड जो डॉटेड लाइन है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें हमारा कटिंग स्ट्रोक होता है. इसमें कटिंग स्ट्रोक होता है, मीन्स बीटा के केस में कटिंग स्ट्रोक होगा और अल्फा के केस में कटिंग मतलब रिटर्न स्ट्रोक होगा. जहाँ जहाँ बीटा एंगल बन रहा है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कटिंग स्ट्रोक होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा रिटर्न स्ट्रोक होगा. तो ये है हमारा इसका फंक्शन. अब इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है वह है रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन. इसमें देखते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्नोम इंजन. इसको हम ग्नोम इंजन भी कहते हैं. कुछ समय पहले रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन को एविएशन में यूज किया जाता था.
लेकिन अब तो गैस टरबाइन का यूज़ होता है वहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सिलेंडर इन वन प्लेन एंड ऑल रिवॉल्व अबाउट फिक्स सेंटर डी। इसमें 7 सिलेंडर होता है जो कि एक फिक्स सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करता है। वाइल द क्रैंक टू, क्रैंक मीन्स लिंक टू इज फिक्स्ड। इसमें लिंक जो क्रैंक है लिंक टू उसको हम फिक्स करके रखते हैं। वेन द कनेक्टिंग रॉड दैट मीन्स लिंक फोर रोटेट, जब कनेक्टिंग रॉड इसमें रोटेट करता है देन पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है इनसाइड द सिलेंडर। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें जब कनेक्टिंग रॉड रोटेट करता है देन पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है इनसाइड द सिलेंडर। यही होता है रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन और इसका डायग्राम ये है। इस डायग्राम में 7 सिलेंडर है जो कि एक फिक्स सेंटर के अबाउट रोटेट करता है। इसमें ये जो लिंक है क्रैंक को हमने फिक्स करके रखा है जो कि लिंक टू है, और ये है सिलेंडर जो कि लिंक वन है, और ये है पिस्टन, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है लिंक थ्री, और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड है लिंक फोर। अब है इसका थर्ड इन्वर्जन दैट इज़ कनेक्टिंग रॉड इज़ फिक्स्ड। अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं बाकी के तीन अदर लिंक्स को फ्री करके छोड़ देते हैं देन उस केस में क्या होता है देखते हैं। अगर कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करके रखते हैं देन जो फर्स्ट इन्वर्जन मिलती है वह क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, एंड जो अदर इन्वर्जन है वह ऑसिलेशन सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या है। इसमें कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड इन दिस मैकेनिज्म एंड इन दिस मैकेनिज्म ए रैम इज अटैच्ड। इसमें एक रैम अटैच्ड होता है व्हिच इज अ टूल, जिसमें एक टूल फिक्स होती है एंड दिस टूल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मशीनिंग, और इसी टूल का हम लोग मशीनिंग करने में यूज करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक इन क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसमें दो तरह के स्ट्रोक होते हैं इन विच वन इज कटिंग स्ट्रोक एंड अदर इज रिटर्न स्ट्रोक। इसमें एक में तो कटिंग स्ट्रोक होगा और दूसरा जो रिटर्न स्ट्रोक होगा। देर इज नो एनी मशीनिंग प्रोसेस इन रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी मशीनिंग प्रोसेस नहीं होगा, जितना भी मशीनिंग प्रोसेस होगा वो कटिंग स्ट्रोक में होगा। दिस मैकेनिज्म इज मोस्टली यूज इन शेपिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन एंड ऑल्सो यूज इन रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन। दिस इज अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। यह जो मैकेनिज्म है वो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है। बिकॉज द स्लॉटेड बार इज एक्चुअली अंडरगोइंग ऑसिलेशन वेयर एज वन ऑफ द लिंक अंडरगोइंग रोटेशन सो इट इज कॉल्ड क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इसमें जो स्लॉटेड बार है वो काम करेगा ऑसिलेशन की तरह एंड जो क्रैंक होगी वो क्रैंक कंप्लीट रोटेशन करेगा जो काम करेगा एक क्रैंक की तरह। तो इसमें ऑसिलेशन भी होगी और रोटेशन भी होगी इसलिए इसको कहेंगे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। तो चलिए अब इसके डायग्राम को देखते हैं। ये है एक फिक्स्ड लिंक। फिक्स्ड लिंक मीन्स ये कनेक्टिंग रॉड है जिसको हमने लिंक थ्री मान रखा है और ये फिक्स है, और ये जो है ये दोनों साइड से मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो मैक्सिमम रोटेशन होगा उसका प्लॉट है। और इसके बाद ये है स्लॉटेड बार। ये स्लॉटेड बार है जिसको हमने लिंक फोर मान रखा है, और इसके बाद ये जो है एक सर्किल है जो रोटेट करती है, मीन्स इसमें जो लगा हुआ लिंक है वो रोटेट करती है। इसके बाद इसमें एक ये जो है ये क्रैंक है, ये क्रैंक है जिसको हमने लिंक टू ले रखा है, और ये है स्लाइडर। ये जो है ये स्लाइडर है
जो कि स्लॉटेड बार के अंदर फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है, स्लॉटेड बार के अंदर लगा हुआ होता है। यह है लिंक वन जो स्लाइडर है और ये स्लॉटेड बार में लगा हुआ होता है। इसके बाद है ये पॉइंट पी वन, ये पी टू और ये जो इसका सेंटर डिस्टेंस है ये क्यू है। इसके बाद है ये आर वन आर टू और यहाँ पे एक रैम लगा हुआ होता है, इसको हमने अटैच कर दिया है। और ये है कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड इस रैम से लगा हुआ होता है। तो ये होता है हमारा अरेंजमेंट। अब इसमें होता क्या है कि ये जो क्रैंक है ये रोटेट करता है, ये क्रैंक ही रोटेट, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो इसका जो स्लॉटेड बार है ये इस तरफ रोटेट करेगा और इसी साइड इसका कटिंग स्ट्रोक होगा। ये होता है कटिंग स्ट्रोक, मीन्स ये कटिंग स्ट्रोक होता है इस साइड में और इस साइड में इसके जस्ट अपोजिट में रिटर्न स्ट्रोक होता है। मीन्स अगर इस साइड मूव करेगा तो रिटर्न स्ट्रोक और इस साइड अगर मूव करेगा तो कटिंग स्ट्रोक होगा। अब इसके बाद इसका एक पॉइंट ये है, ये बी वन है और ये बी टू है। इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा ये जो क्रैंक के रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट करेगा तो हमारा स्लॉटेड बार भी रोटेट करेगा जिससे कटिंग स्ट्रोक होगा। इसका एंगल है बीटा, इसका एंगल बीटा है, मीन्स बी वन से लेके बी टू तक जब ये मूव करेगी, मतलब क्रैंक जो है बी वन से लेके बी टू तक मूव करेगा तो इसमें कटिंग स्ट्रोक होगा और बी टू से लेके बी वन तक जब मूव करेगा तो ये रिटर्न स्ट्रोक होगा और रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी मशीनिंग प्रोसेस नहीं होती है। और यहाँ जो टोटल एंगल है ये बी वन से लेके बी टू तक का जो टोटल एंगल हुए है बीटा है और यहाँ बी टू से लेकर के बी वन तक का जो एंगल है वो है अल्फा। अल्फा को यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, अल्फा बाय टू एंड अल्फा बाय टू। तो ये था इसका मशीनिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फॉर्मूला ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू हो जाएगा आर वन इंटू आर टू या फिर पी वन इंटू पी टू या फिर टू इंटू पी वन इंटू क्यू। इसमें ये है आर वन आर टू, इसका जो स्टॉक होगा वो आर वन इंटू आर टू होगा या फिर इसके पैरेलल है पी वन इंटू पी टू या फिर इसको मैसे भी लिख सकते हैं पी वन इंटू क्यू टू टाइम्स टू इंटू पी वन इंटू क्यू इज इक्वल टू स्टॉक होगा। अब इसमें मान लेते हैं कि जो स्लॉटेड लीवर है उसका लेंथ L है, लेंथ ऑफ द क्रैंक इज C, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज R, देन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2LC डिवाइड बाय R। 2L तो हो गया स्लॉटेड लीवर का लेंथ एंड C हो गया लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइड बाय कनेक्टिंग रॉड। ये हो गया, जो बीटा होती है वो कटिंग स्ट्रोक एंगल है एंड जो अल्फा होती है वो रिटर्न स्ट्रोक एंगल है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है और इस केस में अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के केस में अल्फा हमेशा छोटा होता है बीटा के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद है क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है इन केस ऑफ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। एंड क्विक रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस बीटा या फिर 360 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है तो बीटा तो ऊपर रहेगा ही और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस बीटा। इफ ई इज एसेंट्रिसिटी, अगर इसमें एसेंट्रिसिटी दिया हुआ रहे तो हमें फाई पूछते हैं उसका एंगल क्या होगा, तो उस केस के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है वह है कॉस इनवर्स ई डिवाइड बाय एल प्लस आर माइनस कॉस इनवर्स ई डिवाइड बाय एल माइनस आर। अब इसके बाद है ऑसिलेशन सिलेंडर इंजन, इस केस में क्या होता है देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म इज यूज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, इसका यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन को कन्वर्ट करने में।
In this mechanism, the link 3 forming the turning pair is fixed. इसमें भी क्या होगा? Connecting rod fix होगा. The link 3 corresponding to connecting rod of a reciprocating steam engine mechanism. When the crank 2 rotate, when the link 2 rotate, means crank rotate करेगा, then the piston attached to the piston rod, that means link 1 जो attach है वो reciprocate करेगा and cylinder oscillate करेगा इस केस में. जब भी connecting rod fix होती है, तो cylinder oscillate करता है. ये इसका डायग्राम है. अब इसका है सबसे लास्ट मैकेनिज्म, स्लाइडर या फिर पिस्टन को जब हम फिक्स करते हैं तो ये मैकेनिज्म बनता है. जब स्लाइडर को या फिर पिस्टन को फिक्स करेंगे तो हमें हैंड पंप बनेगा या फिर पेंडुलम पंप भी उसका नाम होता है या उसको बुल इंजन भी कहते हैं. This mechanism is obtained by fixing the slider or link 4 at a sliding pier. इसमें हम sliding pier को fix करते हैं या फिर slider को fix करते हैं. इस mechanism में when the crank means link 2 rotate करेगा, जब crank rotate करेगा, then connecting rod oscillate करेगा about a pin pivoted to the fix link 4. जो link 4 है, means जो slider है, वो तो fix है, और जब crank rotate करेगा then connecting rod oscillate करेगा and piston attached to piston rod link 1 is reciprocated और जो piston इसमें attached है वो reciprocate करेगा. A duplex pump which is used to supply feed water to boiler based on this mechanism. जो duplex pump होता है, जो boiler में water supply करने के लिए use किया जाता है, वो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है. ये इसका डायग्राम है. सबसे पहले तो ये पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड लिंक 1 है, लिंक 2 हमारा क्रैंक है, लिंक 3 जो है वो कनेक्टिंग रॉड है, और लिंक 4 जो है वो सिलेंडर है. ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है. इस मैकेनिज्म में जो ये स्लाइडर है, स्लाइडर फिक्स होती है. जब ये क्रैंक रोटेट करेगा, then इस piston rod के help से जो piston attached हैं वो reciprocate करेगा, means crank के rotation से यहाँ piston reciprocate करेगा. यही होता है principle of pendulum pump. तो ये था हमारा single slider crank mechanism और उसका inversion. तो इसी के साथ हमारा ये lecture complete होता है, और next lecture में करेंगे हम लोग डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, और उसके इन्वर्जन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.